नमस्कार दोस्तों, मैं तुहाडा दोस्त मनु मोड़ ते अवार्ड्स रिलेटड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में तुहानू देखण नू मिलदे ने। ते इस तो पहला मैं 30 क्वेश्चनां दी एक क्लास तुहानू मैं प्रोवाइड करवा दित्ती है। जे तुसीं ओह क्लास नहीं देखी तां इस वीडियो दे एंड स्क्रीन विच मैं तुहानू उस वीडियो दा लिंक दे देंगा, उत्थे जाके तुसीं एक बारी उस इंपोर्टेंट क्लास नू भी विजिट जरूर कर लियो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप अज की क्लास स्टार्ट कर लें, पर उस तो पहले वीडियो में लाइक तो एक कमेंट एंड चैनल में सबसक्राइब जरूर कर दो। क्वेश्चन नंबर 31 की गल करिए, हिंदी विच शानदार साहित्यक रचना लिए व्यास सम्मान 2020 नाल किसनों सम्मानित किया गया सी? प्रोफेसर शरद पगारे जी ने एक पाटलिपुत्र की समगरी नामक बुक लिखी थी हिंदी विच, तां उसनू व्यास सम्मान 2020 विच ही मिलिया सी। एग्जाम दे पॉइंट ऑफ व्यू नाल काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो बुक का नाम भी थोड़े तो पूछा जा सकता। तो शरद पगारे जी द्वारा जी बुक लिखी गई सी वह पाटलिपुत्र की समगरी नामक एक बुक लिखी गई सी। क्वेश्चन नंबर 32 की गल करिए, कोरोना के दौरान शानदार कामों लिए किहड़े शहर में स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 नाल सम्मानित किया गया? तो देहरादून स्मार्ट सिटी अवार्ड 2021 का मिलया है। क्वेश्चन नंबर 33 की गल करिए, मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जितया सी? तां मानसा वाराणसी नामक एक फीमेल कैंडीडेट सी जिसने मिस इंडिया का खिताब जितया सी। एग्जाम विच काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो करके ध्यान नाल इसे नूं रीड कर लियो ते राइट डाउन जरूर कर लियो। क्वेश्चन नंबर 34 की गल करिए, सब तो वध 28 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली महिला गायक कौन बनी? तो बियोंसे नामक एक हॉलीवुड की सिंगर है जिसने सब तो ज़्यादा 28 ग्रैमी अवार्ड जीते ने। एंड दोस्तों अगे चलन तो पहले एक छोटी जी इनफॉर्मेशन तुहाडे लई, जे तुसी कॉन्स्टेबल दे एग्जाम दे रिगार्डिंग इंपोर्टेंट क्वेश्चन की PDF फाइल में बाय करना चाहते हो, हर PDF फाइल का प्राइस सिर्फ 44 रुपीज़ है। तो यह मेरा इंस्टाग्राम ID नंबर है, इस पर मैं फॉलो करके मेरे नाल गल करके पूरी जानकारी लैके फिर तुसी इस इंपोर्टेंट PDF फाइल में बाय कर सकते हो। काफ़ी कैंडीडेट्स ने यह PDF फाइल ऑलरेडी बाय कर ली है। जे तुसी भी अपने एग्जाम की तैयारी में परफेक्ट बनाना चाहते हो तो इन्हां PDF फाइल में एक बार जरूर बाय करके चंगी तरह रीड कर लियो। ओके दोस्तों, नैक्सट क्वेश्चन की गल करिए, किस टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी जीती सी? तो मुंबई की टीम ने जीती सी। विजय हजारी जिहड़ी ट्रॉफी हुंदी आ अवार्ड हुंदा, यह क्रिकेट दे गेम विच क्रिकेट दे स्पोर्ट विच एज ए अवार्ड दिता जांदा। एग्जाम विच क्वेश्चन काफ़ी बार बनता है कि विजय हजारी ट्रॉफी किस खेड नाल संबंधित है, तो याद रखियो क्रिकेट नाल है। क्वेश्चन नंबर 36 की गल करिए, इंटरनेशनल वूमेन करेज अवार्ड पुरस्कार नाल किसनों सम्मानित किया गया? तो गौशाला शंकर नामक एक व्यक्ति है जो मतलब कि फीमेल नूं जो दबी कुचलियां औरतां ने जो घरेलू हिंसा का शिकार होंदी आ उन्हां नूं करेज मतलब कि उन्हां दा सम्मान इनक्रीज करता, इस दे रिलेटड एक अवार्ड बनता वूमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 का गौशाला शंकर नूं मिलिया सी। क्वेश्चन नंबर 37 की गल करिए, दादा साहेब फाल्के अंतरराष्ट्री फिल्म फैसटिवल 2021 का सर्वोत्तम अभिनेता का पुरस्कार किसनों मिलिया सी? इत्थे एक गल ध्यान नाल समझ लो, एक तो दादा साहेब फाल्के अंतरराष्ट्री फिल्म फैसटिवल अवार्ड हुंदा है, एक इकला दादा साहेब फाल्के अवार्ड हुंदा है। यह दो तरह के अवार्ड ने, अलग अलग बंद अवार्ड मिले ने। तो दादा साहेब फाल्के अंतरराष्ट्री फिल्म फैसटिवल अवार्ड है जिहड़ा, वो अक्षय कुमार नूं फिल्म लक्ष्मी लई मिलिया सी। लक्ष्मी फिल्म विच अक्षय कुमार ने वधिया काम किया सी, वधिया एक्टिंग की सी, उस करके इस नूं अक्षय कुमार नूं यह अवार्ड मिलिया सी। ते इस तों इलावा दादा साहेब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म फैसटिवल 2021 विच सर्वोत्तम एक्ट्रेस हीरोइन का पुरस्कार किसनों मिलिया सी? तो दीपिका पादुकोण नूं बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दादा साहेब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म फैसटिवल का अवार्ड छपाक फिल्म लिए मिले सी, दीपिका पादुकोण में मिले सी। इसने छपाक फिल्म में बढ़िया काम किया सी, तां करके दीपिका पादुकोण में यह अवार्ड मिले सी। क्वेश्चन नंबर 39 की गल करिए, दादा साहेब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म फैसटिवल 2021 का सर्वोत्तम मूवी का पुरस्कार बेस्ट मूवी का पुरस्कार दादा साहेब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म फैसटिवल का किसनों मिले सी? तो ताना जी नामक एक फिल्म सी जिहड़ी कि ओम रावत ने डायरैक्ट की सी। एग्जाम में पूछा जाता है या तो मूवी बारे पूछ लिया जाएगा, या ताना जी मूवी जिन्हें भी दादा साहेब फाल्के अंतरराष्ट्रीय अवार्ड जीता सी तो उसका डायरैक्टर कौन सी? तो ओम रावत सी। क्वेश्चन नंबर 40 की गल करिए, भारतीय रेलवे लई आधुनिकीकरण और सुधारों लई इंजीनियर अवार्ड 2020 किसनों दिता गया सी? तो विनोद कुमार यादव जिहड़े कि रेलवे बोर्ड के CEO ने, तो इन्हों विनोद कुमार यादव इंजीनियर अवार्ड 2020 नाल सम्मानित किया गया सी।
क्वेश्चन नंबर 41 की गल करिए, दादा साहिब फाल्के 2021 का पुरस्कार किसने जीता? उपर से दादा साहिब फाल्के फिल्म फेस्टिवल अवार्ड से, यह सिर्फ है दादा साहिब फाल्के 2021 का पुरस्कार किसने जीता? तो रजनीकांत साउथ का एक्टर है, इसनों अवार्ड यह मिले। ओके दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, जो वीडियो बेनीफिशियल लगती है तो प्लीज़ लाइक सबसक्राइब तो कमेंट जरूर कर दिया करो। इस नाल सानू मोटिवेट फील होंदा है, नई नई वीडियोज़ तुहानू होर प्रोवाइड करवाउण दा जी करदा है। क्वेश्चन नंबर 42 की गल करिए, रमेश वर्म हिंदी पत्रकारी पुरस्कार 2020 नाल किसनू सन्मानित किया गया? तो रवीश रंजन शुक्ला NDTV का बहुत ही वधिया न्यूज़ पेश करता है, सच्ची न्यूज़ पेश करता है। रवीश कुमार भी इसनों कहते हैं, रवीश रंजन शुक्ला इसका पूरा नाम है। तो पत्रकारी पुरस्कार 2020 नाल इसनों सन्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 43 की गल करिए, किस बैंक को भारत का सर्वोत्तम बैंक फोर एशिया मनी बेस्ट बैंक अवार्ड 2021 चुनिया गया? HDFC बैंक को यह अवार्ड बेस्ट बैंक अवार्ड मिलिया। क्वेश्चन नंबर 44 की गल करिए, बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 अवार्ड किसनों मिलिया? तो लुइस हैमिल्टन नू यह अवार्ड मिलिया। यह अवार्ड किहड़े क्षेत्र में दिता जाता है? जिहड़ा F1 कार रेसिंग, मतलब कार रेसिंग की जिहड़ी स्पोर्ट्स हुंदियां ने उन्हां खेत्र विच, रेसिंग के खेत्र में बहरीन ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड दिता जाता है। एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन यह रिपीट भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 45 की गल करिए, पैराशूटिंग वर्ल्ड कप 2021 गोल्ड मैडल किसने जीता सी? तां सिंह राज नामक एक अपना प्लेयर है जिसने पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में गोल्ड जीता सी। क्वेश्चन नंबर 46 की गल करिए, किहड़े भारतीय अभिनेता नूं फोर्ब्स द्वारा लीडरशिप अवार्ड नाल सन्मानित किया गया है? सोनू सूद, तो काफ़ी इसने मतलब कि कोरोना टाइम में गरीबों की हेल्प की है, तो उसनों न मद्देनज़र रखते हुए फोर्ब्स वालों ये सन्मानित किए गए ने लीडरशिप अवार्ड नाल। क्वेश्चन नंबर 47 की गल करिए, इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2021 किसनों मिले? तो यह अवार्ड जिहड़ा महेंद्र गिरी नूं मिले। तो रेंजर अवार्ड जंगली सुरक्षा मतलब कि जंगली पेड़ पौदे की सुरक्षा के मद्देनज़र रखते हुए दिता जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 की गल करिए, महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2020 किसनों सन्मानित किया गया? तो आशा भोसले अपने इंडिया की एक फीमेल सिंगर है, इन्हों महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2020 सन्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 49 की गल करिए, साल 2020 गांधी शांति पुरस्कार किसने प्राप्त किया? तो शेख मुजीबुर रहमान नामक एक व्यक्ति ने गांधी शांति पुरस्कार मिले है। क्वेश्चन नंबर 50 की गल करिए, ऑस्कर अवार्ड कदों शुरू हुई सी? तो एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, मतलब कि एक दो बार एग्जाम में आया भी है, तो याद रखियो 1929 ईस्वी तो जिहड़े ऑस्कर अवार्ड है ये शुरुआत हुई सी। क्वेश्चन नंबर 51 की गल करिए, भारत द्वारा किहड़ी फिल्म नूं ऑस्कर अवार्ड 2021 नामजद किया गया सी? मतलब हुण जिहड़ा फंक्शन होया सी ना ऑस्कर अवार्ड 2021, उन्हां विचों भारत की किहड़ी फिल्म गई सी, मतलब कि उत्थे अनाउंस हुई सी, नामजद हुई सी किहड़ी फिल्म? जल्लीकुट्टू, साउथ की फिल्म है ये। तो यह फिल्म सारी अपने भारत वालों इन्हें रीप्रजेंट किया उत्थे जाके, पर यह कोई भी अवार्ड नहीं जित पाई। क्वेश्चन नंबर 52 की गल करिए, बाफ्टा अवार्ड 2021 केड़ी फिल्म नूं सन्मानित किया गया सी? ओस्कर अवार्ड अलग चीज़ होंदी है दोस्तों, तो बाफ्टा अवार्ड अलग अवार्ड होंदा है। तो यह नोमैडलैंड नामक एक हॉलीवुड मूवी नूं मिलिया सी, तो याद रखियो ओस्कर अवार्ड भी नोमैडलैंड मूवी नूं ही मिलिया सी। तो क्वेश्चन नंबर 53 की गल करिए, बाफ्टा अवार्ड 2021 का बेस्ट एक्टर अवार्ड किसनों मिलिया सी? तो एंथनी हॉपकिंस ही जिहड़ा ओस्कर अवार्ड भी मिलिया सी, तो बाफ्टा अवार्ड भी बेस्ट एक्टर का मिलिया है। तो क्वेश्चन नंबर 54 की गल करिए, बाफ्टा अवार्ड 2021 बेस्ट एक्ट्रेस बेस्ट हीरोइन का अवार्ड किसनों मिलिया? तो फ्रांसिस मैकडोरमैंड नामक एक फीमेल एक्टर ने हॉलीवुड की, इसनों बाफ्टा अवार्ड भी मिलिया है, तो ओस्कर अवार्ड भी मिलिया है। तो इस तो बाद बेस्ट डायरैक्टर बाफ्टा अवार्ड की गल करिए 2021 का, तो होल जाऊ जिन्हें नोमैडलैंड फिल्म नू डायरैक्ट किया, इसनों बाफ्टा अवार्ड भी मिले है, तो ओस्कर अवार्ड बेस्ट डायरैक्टर का अवार्ड, ये दोनों अवार्ड इसनों मिले ने। क्वेश्चन नंबर 56 की गल करिए, 66वां फिल्मफेयर अवार्ड 2021 का सर्वोत्तम फिल्म पुरस्कार किसने प्राप्त किया है? तो जो फिल्मफेयर अवार्ड होंगे ने 66वां से, यह तो यह अपने इंडिया के अवार्ड ने, तो बाफ्टा हुआ ओस्कर अवार्ड है, यह फॉरन के अवार्ड होंगे ने, मतलब आल वर्ल्ड के अवार्ड फिल्म इस इंक्लूड होंदिया ने। तो फिल्मफेयर अवार्ड सिर्फ अपने इंडिया की फिल्म इनकलूड होगी,
ਤਾਂ 66ਵਾਂ ਫਿਲਮ ਫਿਰ ਅਵਾਰਡ ਬੈਸਟ ਫਿਲਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਥੱਪੜ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਨੁਭਵ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 57 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 66ਵੇਂ ਫਿਲਮ ਫਿਰ ਅਵਾਰਡ ਦਾ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਅਵਾਰਡ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ 66ਵਾਂ ਫਿਲਮ ਫੇਅਰ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 58 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 66ਵਾਂ ਫਿਲਮ ਫੇਅਰ ਅਵਾਰਡ 2021 ਬੈਸਟ ਐਕਟਰੈਸ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਤਾਪਸੀ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਥੱਪੜ ਫਿਲਮ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਪਸੀ ਪੰਨੂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 59 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 67ਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਰਵੋਤਮ ਫਿਲਮ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਪਰ 66ਵਾਂ ਫਿਲਮ ਫਿਰ ਅਵਾਰਡ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਵਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਓ ਕਿਹੜਾ ਫਿਲਮ ਫੇਅਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮਾਇੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਅਵਾਰਡ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੇ ਇਹ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਲ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 59 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, 67ਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਸਰਵੋਤਮ ਫਿਲਮ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਤਾਂ ਛਿਛੋਰੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਐਂਡ ਸ਼ਰਧਾ ਕਪੂਰ ਐਕਟਰ ਅਤੇ ਐਕਟਰੈਸ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਓ, ਜੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 60 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 67ਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਨੋਜ ਬਾਜਪਾਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਧਨੁਸ਼ ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਦਾ ਐਕਟਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਸਕਾਰ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 61 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 67ਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਬੈਸਟ ਐਕਟਰੈਸ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ? ਤਾਂ ਕੰਗਨਾ ਰਣਾਵਤ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਮਨੀਕਰਨਿਕਾ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 62 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 67ਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਿਲਮ ਪੁਰਸਕਾਰ ਬੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਵਾਰਡ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਤਾਂ ਸੰਜੇ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਓਕੇ ਦੋਸਤੋ, 2021 ਦੇ ਅਵਾਰਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਐਂਡ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੋਪ ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗਾ।